हाँ तो मेरे भाई लोग, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं BGMI के कुछ ऐसे ऐसे नशे के बारे में कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकता कि क्या क्या चल रहा है BGMI में। आई होप आप सबको आधी चीज़ें तो पता ही होंगे, जैसे कि आपका पिंग हाई हो जाना अचानक से आप गेम खेल रहे हो और फाइट कर रहे हो, बीच में से पूरा गेम फ्रीज हो जाए, आपको एक एक फ्रेम नज़र आए। इस टाइप का आपके साथ अगर एक्सपीरियंस हुआ हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। तो मैं आज आपको पर्सनल एक्सपीरियंस कुछ चीज़ें शेयर करने वाला हूँ। और हैकर का तो बात ही छोड़ दो, क्योंकि आप डायमंड में भी आपको हैकर मिल रहे हैं। डायमंड से ऊपर जाओगे तो आपको लगभग 5 में से 3 मैच में आपको हैकर मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर आप टॉप 100 में भी देखोगे तो शायद 99% तो हैकर ही होंगे। अगर हैकर नहीं भी होंगे तो भी हैकर के साथ मिलके खेलेंगे। पबजी जिस तरह का 7 और 8 सीजन में था, उस तरह का अभी बिल्कुल भी नहीं है गाइस, बिल्कुल भी नहीं है। खैर छोड़ो, बात करते हैं इस गेम प्ले की। तो गाइस, मैं सरप्राइज कहाँ पे हूँ आपको पता है? पहला सरप्राइज इसने 340 मीटर से AKM का गोली मार के दिया। मुझे पता चल गया कि ये हैकर है। हमारी पूरी टीम को इसने एक ही झटके में, मतलब एक ही स्प्रे में सबको ले लिया। हालांकि ये मैं गेम प्ले रिकॉर्ड नहीं कर रहा था, ये मैंने बाद में डेथ रिप्ले रिकॉर्ड किया है। इसने 340 मीटर से मुझे गोली मारी है, वो भी AKM की। और यहाँ पे गाइस, इसने लगभग 38 किल कर चुका था, इतने में 38 किल था इसका। तो यहाँ पे देखो गाइस, इसने इतनी दूर से मेरे को 340 मीटर से गोली मारी, मेरे को नॉक किया, मेरी पूरी टीम को ख़त्म किया। अपन ने गेम ख़त्म करने के बाद क्या क्या पता है गाइस, मैंने इसको रिपोर्ट किया। इसका ये गोलू बोलू जो भी नाम है, मैंने इसको, इस हैकर को रिपोर्ट किया। और रिपोर्ट करते ही BGMI की तरफ से एक रिस्पॉन्स मेल आया। जैसे कि हर बंदे को रिपोर्ट करने के बाद एक रिस्पॉन्स मेल आता है, वैसा ही मेल आया। मैंने सोचा ठीक है, बंदा बैन हो सकता है, बैन हो जाएगा। फिर दूसरे दिन गेम खोला तब एक और मेल आया हुआ था BGMI का। वो बोलता है कि हम लोग अभी भी चेक कर रहे हैं, मतलब उनको अभी तक कंफर्म नहीं हुआ कि बंदे ने हैक यूज़ किया है, उनको लग रहा है कि ये लेजेंड है। भैया 38 किल किया है, 340 मीटर से AKM का गोली लगना, हेड लगना, वो कोई तुक्का नहीं होता भाई, तो इसको छोड़ो। फिर देखो यहाँ पे तीसरे दिन एक और मेल आता है जिसपे साफ साफ लिखा होता है कि इस बंदे ने कोई भी चीट नहीं किया है, इस बंदे ने कोई भी, मतलब समझ रहे हो ना, कोई भी हैकिंग यूज़ नहीं किया है। तो मतलब क्या, आप समझ रहे हो ना गाइस, आप चाहे रिपोर्ट करो कुछ भी करो, लेकिन हैकर बैन ही नहीं होता। पता नहीं किस टाइप का क्या हैक लगा के आ जाते हैं, बैन ही नहीं होता भाई। BGMI को पता ही नहीं चलता कि इसने हैक लगाया हुआ है। तो बंदा 38 किल कर रहा है, 3 KD का बंदा है, 38 किल मार रहा है, कोई तुक्का थोड़ी ना है। डेफिनेटली उसने अभी अभी हैक लगाया होगा, ऐसा ही कुछ हो सकता है। और कितने सारे बंदे ऐसे मिलते हैं हैक लगा के आ जाते हैं, लेकिन रिपोर्ट मारो तो बैन होते ही नहीं। परेशान करके रख दिया है गाइस। हैकर तक तो ठीक था, फिर भी हम झेल ही रहे थे। लेकिन अभी गाइस एक नया प्रॉब्लम चालू हुआ है, इस सीज़न से मैंने बहुत ज़्यादा फील किया है गाइस। मेरा 5G नेटवर्क चलता है, 5G में मैं गेम खेलता हूँ, लेकिन फिर भी गेम खेलते खेलते अचानक से, अब समझ रहे हो ना, पूरा अचानक से 600 पिंग आ जाएगा, 900 पिंग आ जाएगा। और जब ये इग्लू वाला जो इवेंट आया है, ये ड्रैगन बॉल वाला, इस पे आप इग्लू पे लैंड करोगे, गन मिलेगा, आप फाइट करोगे ना, आपका गेम पूरा क्रीपी सा हो जाएगा। आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाहता हूँ, पूरा अटकने लग जाएगा। जैसे कि मतलब 2 GB रैम वाले फ़ोन में एकदम हाई क्वालिटी करके खेल रहे हो, इस टाइप का फील होता है। ऐसा लगता है जैसे 20 FPS चल रहा है गेम, इतना ज़्यादा क्रीपी लैग करने लगता है ना। ये चीज़ें सिर्फ इसी इवेंट से चालू हुआ है, इससे पहले मेरे को फील नहीं हुआ था। और अचानक से गेम खेलते खेलते 600, 700, 800 का पिंग आ जाता है, और बंदा करे तो क्या करे। हैकर तो फिर भी अपन झेल ही रहे हैं ना, हैकर को तो झेल ही रहे, लेकिन सर्वर प्रॉब्लम आने चालू हो गए। अब पता नहीं अभी नेक्स्ट इवेंट में, हो सकता है नेक्स्ट अपडेट में ये प्रॉब्लम ना आए, लेकिन ये चीज़ों पे BGMI को बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है यार। प्लेयर को ये चीज़ें बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं, क्योंकि बंदा यार देखो, हर बंदे के पास टाइम नहीं होता है कंटिन्यू बैठ के खेलने का। हम जैसे बंदे जो दिन भर काम करते हैं, शाम को आके थोड़ा बहुत टाइम पास के लिए या समझ लो एंजॉय के लिए खेलते हैं, फिर जो गेम ओपन करो, गेम में इस तरह के हैकर मिलते, ऊपर से गेम लैगी हो जाता है, हाई पिंग आ जाता है, डबल फ्रस्ट्रेट। लोग अपना फ्रस्ट्रेशन कम करने आते हैं गेम में, और यहाँ आके और ज़्यादा डबल फ्रस्ट्रेट होके चले जाते हैं। ये तो हालात है BGMI के।
हैकर तो फिर भी झेल लेंगे, लेकिन अगर गेम इस तरह से क्रीपी लैगी और इस तरह के अचानक से हाइपिंग होना चालू हो जाए ना, तो बंदा कुछ नहीं कर सकता भाई। वो चाहे कुछ भी जितना भी अच्छा खेलता हो, लेकिन कुछ नहीं उखाड़ पाएगा इन हाइपिंग और लैग के सामने। तो गाइज देखो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।